नमस्कार दोस्तों, आज का हिंदी अखबार का जो कि कोलकाता से पब्लिश हुआ है उसका फर्स्ट पेज का हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। हर रोज ये वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आपका सुझाव दीजिए और पुराना वीडियो देखने के लिए तो ये वीडियो का अंत में एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। तीन अखबार पढ़ूंगा, सन्मार्ग, वर्तमान पत्रिका और प्रभात खबर। शुरू करता है सन्मार्ग से। सन्मार्ग का पहला खबर, कांग्रेस पर बरसी ममता, कहा राम बाम और श्याम तीनों एक, कहा दिल्ली में कहते हैं दोस्ती और यहाँ लड़ेंगे कुश्ती, भाजपा को हराना है हमारा मकसद। भूमि खरीद घोटाला, सीबीआई करेगी जांच, नदिया जिला परिषद ने खरीदी बाजार मूल्य से अधिक दर पर जमीन, नदिया में बाजार मूल्य से अधिक दर पर खरीदी गई जमीन में वित्तीय घोटाला किए जाने की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा पक्का भरोसा है कि हुआ है घोटाला। कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों नहीं हो पाया नामांकन, एफिडेविट के साथ जवाब दे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव में उम्मीदवार क्यों नहीं नामांकन दाखिल कर पाए, जस्टिस राजशेखर मंता ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के एफिडेविट के से इसका जवाब तलब किया। मणिपुर में उग्रवादियों ने केंद्रीय मंत्री का घर फूंका, सुरक्षा बलों के साथ झड़प, 20 दिन में मंत्रियों और विधायकों के घर पर हमले का चौथा मामला, शुक्रवार तड़के भी हुई गोलीबारी। सेंट्रल फोर्स के मामले पर राज्य और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी मुठभेड़, 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा LOC के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शुक्रवार को 5 विदेशी आतंकियों को मारकर इस सेक्टर में इस साल घुसपैठ की पहली बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। चक्रवाती तूफान से 2 की मौत, 23 से ज्यादा घायल, हजारों घर में बिजली नहीं, पेड़ उखड़े, मकान क्षतिग्रस्त। विपर्जय ने गुजरात में छोड़े तबाही का निशान, अब कमजोर पड़ा, गुजरात से राजस्थान आया विपर्जय। तृणमूल नेता की पीट पीट कर हत्या। तो ये थे सन्मार्ग का पहला पेज का खबर, अभी वर्तमान पत्रिका। वर्तमान पत्रिका की पहला खबर, बोली ममता, तृणमूल कांग्रेस के 86,000 प्रार्थियों के मुकाबले विपक्षी दलों के 1,50,000 प्रत्याशी। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से आरोपों की किया ध्वस्त, राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े, तृणमूल कांग्रेस 85,817 नामांकन, भाजपा 56,321 का नामांकन, CPM 48,000 से अधिक नामांकन, कांग्रेस 17,000 से ज़्यादा नामांकन, अन्य कोई राजनीतिक दलों ने भी नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय बलों के नियुक्ति के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और राज्य, बदला फैसला। नामांकनों में ADG और गृह सचिव के साथ आयोग की बैठक के बाद लिया फैसला। गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने पूरे राज्यों में केंद्रीय बलों तैनाती के आदेश दिए थे। अब तीन मूर्ति निर्णय से हटा नेहरू का नाम, बोली कांग्रेस, दिल से कैसे निकालेंगे। मणिपुर, हिंसा में विदेश राज्य मंत्री रंजन सिंह का घर फूंका, मोदी के मंत्री ने कहा राज्यों में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप, अशेष अशांति,
50 लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, 20 दिनों में 4 मंत्रियों विधायकों के घर पर हमला। इससे पहले 14 को इम्फाल में राज्यों के उद्योग मंत्री का बांग्ला फूंक दिया गया था। तृणमूल ने की संसदीय कमेटी की बैठक बुलाने की मांग। ईपीएफओ असमंजस, ब्याज बढ़ने के फैसले की बीते 3 माह अभी तक भुगतान नहीं। नीतीश का दावा, मांझी के बेटे संतोष सुमन से जबरन लिया गया इस्तीफा। भाजपा के मुखबिर थे जितेंद्र मांझी, घर के मेदी। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक वाले दिन ही संतोष सुमन इस्तीफा देने वाले थे। नीतीश को मामले का पता लगते ही उन्होंने उससे पहले ही उनका इस्तीफा ले लिया। ये था वर्तमान के फर्स्ट पेज का खबर और अभी प्रभात खबर। पंचायत चुनाव, हिंसा के बाद राज्यपाल ने किया भांगर का दौरा। बंगाल में खत्म होने चाहिए राजनीतिक हिंसा, गवर्नर। वीडियो कार्यालय भी गए राज्यपाल। हिंसा के अगले दिन भांगर में मिली बम से भरी 7 थैलियां। सीएम ने की तृणमूल को जिताने की अपील। पूछा, चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को यदि नहीं जिताएंगे तो लक्ष्मी भंडार कौन देगा। कहा, शांतिपूर्ण संपन्न हुई पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया। पंचायत चुनाव में केंद्रीय दलों की तैनाती पर उठाया सवाल। तृणमूल ने निर्विरोध जीती 2 ग्राम पंचायतें। नेहरू स्मारक संग्रहालय अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी। पीएम मोदी ने 2016 में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का रखा था विचार। नेहरू स्मारक संग्रहालय के कार्यकारी परिषद ने 25 नवंबर 2016 को निर्माण परियोजना के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री संग्रहालय को 21 अप्रैल 2022 से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मिल रही लोकतंत्र की जानकारी। नेहरू से पहले ब्रिटिश काल में सेना के कमांडर इन चीफ का आवास था तीन मूर्ति भवन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। हाईकोर्ट का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार 15 शिक्षकों को नौकरी मिल ही गई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रेखा राय, समलम आरा, रूपाली बेज समेत 15 लोगों की नियुक्ति पत्र सौंपा। CBSE, अब 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स होगा लागू। कोचिंग सेंटर में आग, दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया घटना का संज्ञान, मांगी रिपोर्ट। तो ये था प्रभात खबर का आखिरी खबर। फिर कल नया खबर के साथ नया वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।